सो गाइस आईपीएल 2021 का मिनी ऑक्शन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और गाइस सभी 8 टीमों ने अपनी स्क्वाड बना के परफेक्ट कर ली है। लेकिन गाइस आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं सभी टीमों के कंफर्म प्लेइंग 11 के बारे में, बताने वाला हूं कि आखिर जब ये जो आईपीएल 2021 जो होने वाला है उसकी जो पॉसिबिलिटीज अभी फिलहाल में लग रही है वो इंडिया में होने की लग रही है। सो गाइस ऐसे में जब आसार इंडिया के हैं तो यहाँ पे प्लेइंग 11 में भी जो बदलाव होने जायज हैं और गाइस इसी वजह से इस बार के जो मिनी ऑक्शन के बाद जैसा इस बार का आईपीएल 2021 का सभी टीमों का स्क्वाड है ऐसा लग रहा है कि इसमें काफी ज्यादा प्लेइंग 11 में चेंजेस हमें देखने को मिल सकती हैं और गाइस इस बार मिनी ऑक्शन के बाद काफी ज्यादा टीमें चेंजेस करती हुई भी नजर आने वाली है। सो गाइस काफी ज्यादा डिटेल वीडियो है, ये वीडियो अभी से लेकर पूरा एंटायर एंड तक देखिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल कलर सब्सक्राइब का बटन दिया है उसे फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले हम नजर डालने वाले हैं मुंबई इंडियंस के प्लेइंग 11 पे। एक बार नजर डाल देते हैं कि आखिर मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 इस बार के आईपीएल 2021 में कैसी देखने को मिलने वाली है। सो गाइस ओपनिंग करते हुए नजर आने वाले हैं रोहित शर्मा, क्विंटन डिकॉक, मेजर ऑर्डर में आने वाले हैं सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, कायरम पोलार्ड, हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या। बॉलर्स की बात करें तो नाथन कुलचर, नाइल या एजम मिलने में से कोई एक बॉलर, राहुल चहर, ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह। सो गाइस इस तरीके की रहने वाली है यहाँ पे मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11। यहाँ पे ज्यादा बदलाव हमें देखने को नहीं मिलने वाला है, पिछले साल की तरह ही प्लेइंग 11 है, एक आध दूसरे का चेंजेस देखने लाजमी है। सो गाइस फाइनल में एक बार नजर डालने वाले हैं अब चेन्नई सुपर किंग के प्लेइंग 11 पे। एक बार देख लेते हैं कि आखिर सीएसके की प्लेइंग 11 कैसी रहने वाली है इस बार के आईपीएल 2021 में। सो गाइस आज गायकवाड और फाफ डुप्लेसी, मिडल ऑर्डर की बात करें तो सुरेश रैना, अंबाती राजू, एमएस धोनी, सैम करन, जडेजा और कृष्णप्पा गौतम। बॉलर्स की बात करें तो दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर और इमरान ताहिर। सो गाइस कुछ इस प्रकार से रहने वाली है चेन्नई सुपर किंग की प्लेइंग 11 जो कि हमें आईपीएल 2021 में देखने को मिलने वाली है। सो गाइस फाइनली हम आगे बढ़ते हैं और गाइस वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐप के बारे में बताना चाहूंगा, 24 क्लब ऐप के बारे में बताना चाहूंगा। ये काफी शानदार ऐप है, यहाँ पे आप इस ऐप से खेल के काफी ज्यादा लाखों या हजारों रुपए कमा सकते हैं क्योंकि गाइस इस ऐप में आपको काफी ज्यादा गेम्स देखने को मिलने वाली है, रमी, ईटीसी, ऐसी काफी ज्यादा गेम्स इस ऐप में है जिसे आप खेल के काफी ज्यादा रुपए कमा सकते हैं। और गाइस यहाँ पे अगर आप पहली डिपॉजिट करते हैं तो आपको 100% यहाँ पे कैशबैक मिलने वाला है, यानी अगर आप 500 रुपए का अगर यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं तो आपको 1000 रुपए मिलते हुए नजर आने वाले हैं। और यहाँ पे अगर आप अगर गेम्स में आगे खेलेंगे या फिर अगर इस ऐप की सबसे बड़ी खूबी के बारे में बताऊं तो यहाँ पे आप लाइव क्रिकेट भी देख सकते हैं, यानी गाइस जो लाइव मैच चल रहा है वहां पे आप यहाँ पे लाइव देख सकते हैं। सो गाइस काफी ज्यादा शानदार ऐप है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, फटाफट से जाइए उसे खोलिए और ऐप का लुत्फ उठाना स्टार्ट करिए। सो गाइस फाइनली हम बात करने वाले हैं अब तीसरे टीम के प्लेइंग 11 के बारे में और गाइस इस टीम का नाम है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। आरसीबी ने इस बार के मिनी ऑप्शन में फिर से टीमों में काफी ज्यादा हेरफेर किया है, फिर से इन्हें काफी ज्यादा उम्मीदें हैं अपनी टीम से। एक बार नजर डाल लेते हैं कि आखिर प्लेइंग 11 कैसी रहने वाली है। सो गाइस इनके तरफ से ओपनिंग करते हुए नजर आने वाले देवदत्त पड़िक्कल और जॉस फिलिप्स। और यहाँ पे अगर बॉलर मिडल ऑर्डर की बात करें तो विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, ग्लेन मैक्सवेल, वॉशिंगटन सुंदर, हर्षल पटेल या डेनियल सैम्स में से कोई एक खिलाड़ी। बॉलर्स की बात करें तो काइल जेमिसन, नवदीप सैनी, युजवेंद्र चहल और मोहम्मद सिराज। सो गाइस ये रहने वाले हैं खिलाड़ी जो कि यहाँ पे बैंगलोर के प्लेइंग 11 में उतरते हुए नजर आने वाले हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बैंगलोर की टीम काफी ज्यादा परफेक्ट दिखती हुई नजर आ रही है। सो गाइस फाइनल में बात करने वाले हैं अब चौथे टीम के प्लेइंग 11 के बारे में और गाइस इस टीम का नाम है कोलकाता नाइट राइडर्स। केकेआर की एक बार नजर डाल सकते हैं कि आखिर प्लेइंग 11 कैसी रहने वाली है क्योंकि इनकी टीम भी काफी ज्यादा बदलाव तो नहीं किए हैं लेकिन तब भी यहाँ पे जो एकाध जगह इन्हें जो कि काफी ज्यादा कमजोरी दिख रही थी उसे पाटते हुए नजर आए हैं और इसी वजह से प्लेइंग 11 पे इस बार सीधा इफेक्ट देखने को मिलने वाला है। और गाइस यहाँ पे ओपनिंग की बात करें शुभमन गिल और राहुल त्रिपाठी ओपनिंग करने वाले हैं, नीतीश राणा, ओएन मॉर्गन, आंद्रे रसेल, दिनेश कार्तिक और सुनील नरेन मेजर ऑर्डर में आने वाले हैं। बॉलर्स की बात करें तो पैट कमिंस, शिवम मावी, कुलदीप यादव या वरुण चक्रवर्ती में से कोई एक खिलाड़ी और कमलेश नागरकोटी। सो गाइस ये रहने वाले हैं खिलाड़ी जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स के प्लेइंग 11 में उतरते हुए नजर आने वाले हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इनकी टीम भी काफी ज्यादा परफेक्ट दिखती हुई नजर आ रही है। सो गाइस फाइनली हम बात करने वाले हैं पांचवें टीम के प्लेइंग 11 के बारे में और गाइस इस टीम का नाम है सनराइजर्स हैदराबाद। हैदराबाद की अगर मैं बात करूँ तो इस बार के मिनी ऑप्शन में ये ज्यादा अपनी टीमों में हेर फेर करते हुए ये भी टीम नजर नहीं आई थी क्योंकि इनके पास सादा सादा सभी टीमों के जो स्क्वाड थी वो फुलफिल है, एक आध दो चेंजेस इन्हें जरूरत थी तो वहां पे उन्होंने प्लेयर को लेते हुए नजर आए हैं। लेकिन एक बार नजर डालते हैं कि आखिर इनकी प्लेइंग 11 कैसी रहने वाली
इस बार के आईपीएल 2021 में। सो गाइस ओपनिंग करते हुए नजर आने वाले हैं डेविड वार्नर और ऋद्धिमान साहा। मिडल ऑर्डर की बात करें तो केन विलियमसन, मनीष पांडे, प्रियम गर्ग्या, अभिषेक शर्मा में से कोई एक खिलाड़ी, अब्दुल समद, जेसन होल्डर। और यहाँ पे बॉलर्स की बात करें तो यहाँ पे आने वाले हैं राशिद खान, भुवनेश्वर कुमार, संदीप शर्मा और टी नटराजन। सो गाइस ये खिलाड़ी रहने वाले हैं जो कि हैदराबाद की तरफ से यहाँ पे इनके प्ले 11 में उतरते हुए नजर आने वाले हैं। और गाइस फाइनल में बात करने वाले हैं अगले टीम के बारे में, और गाइस इस टीम का नाम है दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स भी अपने टीमों में ज़्यादा बदलाव तो नहीं किया है, लेकिन इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को अपने टीम में ऐड किया है। और एक तरीके से मानिए कि दिल्ली ने इस बार का जो मिनी ऑक्शन हुआ था उसमें काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन खिलाड़ियों को भी खरीदने का रिकॉर्ड बनाया है। यानी आप सभी टीमों से कंपेयर करेंगे तो सभी टीमों ने काफ़ी ज़्यादा रुपये दे के खिलाड़ियों को लिए हैं, लेकिन ये टीम कम पैसों में बेस प्राइस वाले खिलाड़ियों को इन्होंने अपने टीम में ऐड किया है। और ऐड करने के साथ ही अपनी टीम को काफ़ी ज़्यादा इन्होंने परफेक्ट बनाया है। नजर डाल लेते हैं प्लेइंग 11। शिखर धवन और रहाणे या पृथ्वी शॉ में से कोई एक खिलाड़ी, स्टीव स्मिथ, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, मार्कस स्टोइनिस, रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल या फिर अमित शर्मा में से कोई एक खिलाड़ी। बॉलर्स की बात करें तो कगिसो रबाडा, एनरिक नौरकिया, ईशांत शर्मा या उमेश यादव में से कोई एक खिलाड़ी। तो गाइस ये रहने वाली है यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11। और यहाँ पे भी आप नजर डालेंगे तो इनकी प्लेइंग 11 में ज्यादा बदलाव तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्टीव स्मिथ नाम का एक काफी ज्यादा अच्छा खिलाड़ी इनके टीम में ऐड हुआ है। अभी को फिलहाल में प्लेइंग 11 में इन्हें रखा गया है क्योंकि यहाँ पे अभी ये कंफर्म नहीं है कि स्मिथ आईपीएल 2021 खेलने ही वाले हैं, लेकिन फिलहाल में लग रहा है नाम तो दिए हैं 2,20,00,000 में इन्हें टीम में शामिल किया गया है। तो देखना होगा अगर स्मिथ यहाँ पे आईपीएल का हिस्सा रहते हैं तो जरूर से ये प्लेइंग 11 का भी हिस्सा रहने वाले हैं। सो गाइस फाइनल में बात करने वाले हैं सातवीं टीम के नाम की, और गाइस इस टीम का नाम है राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स ने एक क्रिस मॉरिस नाम का एक ऐसा खिलाड़ी लिया है जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा इतिहास रच दिया है, और गाइस इस वजह से इनकी प्लेइंग 11 जो रहने वाली है वो भी देखने के लिए काफ़ी लोग कायल होंगे। एक बार नजर डाल लेते हैं इनके प्लेइंग 11 पे तो ओपनिंग करते हुए नजर आने वाले हैं जॉस बटलर, यशस्वी जायसवाल या मनन वोहरा में से कोई एक खिलाड़ी। अगर मेजर ऑर्डर की बात करें तो संजू सैमसन, बेन स्टोक्स और शिवम दुबे, रियान पराग और राहुल तेवटिया। बॉलर्स की बात करें तो क्रिस मॉरिस, जोफ्रा आर्चल, श्रेयस गोपाल और कार्तिक त्यागी। तो गाइस ये खिलाड़ी रहने वाले हैं जो कि यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स के प्लेइंग 11 में जुड़ते हुए नजर आए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो शिवम दुबे इनके टीम में ऐड हुए हैं, इनके प्लेइंग 11 में ऐड हुए हैं, और साथ में क्रिस मॉरिस, जैसे कि हमें मालूम है कि जोफ्रा आर्चर के साथ एक ऐसा इन्हें गेंदबाज की जरूरत थी जो कि डेथ ओवरों में काफ़ी तक कारगर हो, और उसी चीज़ को यहाँ पे थोड़ा सा पाटने के लिए यहाँ पे क्रिस मॉरिस के पीछे लगभग 17 करोड़ रुपये लगाए गए हैं। और देखना होगा कि क्या क्रिस मॉरिस वैसा काम कर पाते हैं। सो गाइस फाइनल में बात करने वाले हैं आठवें और अंतिम टीम के बारे में। अंतिम टीम तो बता रहा हूं, लेकिन ये टीम काफी ज्यादा डायनेमिक, इन्होंने टीम अपने जो पर्स वैल्यू बनाया था और उसकी मदद से इन्होंने काफी ज्यादा अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को लिया। अगर इस टीम का नाम है पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स की अगर एक बार प्लेइंग 11 पर नजर डालने वाले हैं तो गाइस ओपनिंग करते हुए नजर आने वाले राहुल और मयंक अग्रवाल। मिडल ऑर्डर की बात करें तो क्रिस गेल, डेविड मलान, निकोलस पुरन, शाहरुख खान या फिर यहाँ पे दीपक हुड्डा में से कोई एक खिलाड़ी, और मुर्गन अश्विन। बॉलर्स की बात करें तो रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, जाय रिचर्डसन और मोहम्मद शमी। तो गाइस ये खिलाड़ी रहने वाले हैं जो कि यहाँ पे पंजाब किंग्स के प्लेइंग 11 में शामिल होते हुए नजर आए हैं, और इनकी टीम में भी काफी ज्यादा परफेक्ट टीम देखने को मिल रही है, गहराई भी आ चुकी है इनकी टीम में। और यहाँ पे अगर टॉप ऑर्डर की बात करें तो इनके पास डेविड मलान जैसा T20 का नंबर 1 बल्लेबाज भी है, क्रिस गेल भी है, केएल राहुल भी है, यानी इनकी टीम काफी ज्यादा परफेक्ट बन चुकी है। अब देखना होगा कि इन्हें आईपीएल 2021 में क्या कमाल करके दिखाते हैं, लेकिन अगर पेपर की बात करें तो इनकी टीम सबसे ज्यादा परफेक्ट दिखती हुई नजर आ रही है। सो गाइस ये थी उन सभी आठों टीमों की प्लेइंग 11 जो कि इस बार की नीलामी के बाद कुछ इस तरीके से देखने को मिलने वाली है। तो गाइस फाइनली आप बताइए कि कहां प्लेइंग 11 में यहां पे दिक्कत या फिर कोई चेंजेस होते हुए नजर आ सकते हैं, आपकी क्या राय है बस जरूर कमेंट करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म करते हैं, आपको मिलेंगे हम अगले एनालिसिस के साथ।